हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपके साथ सोया कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भर के दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाएंगे, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने गर्म पानी में सोया चंक्स को भिंगो के रख लिया था और उसका पानी निचोड़ लिया है। चलिए अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिंगोया हुआ साबूदाना। ये बहुत ही बारीक और छोटे वाले साबूदाने हैं, आप किसी भी साबूदाना का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिगोया हुआ पोहा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें मैं मसालों में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। अब इसे मैं स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेती हूँ। अब चलिए मैं इसे हाथों से मैश कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब ये देखिए कंप्लीट हो चुका। अब चलिए मैं कबाब बनाती हूँ। कबाब के लिए मैंने हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसे मैं रोल कर रही हूँ। अब इसे मैं टिक्की का शेप दे रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ से दबाकर आप इसी तरह से टिक्की का शेप दे दें। इसे ज़्यादा मोटा ना रखें, थोड़ा पतला ही बनाए, नहीं तो अंदर से ये फ्राई करने पर कच्ची रह जाएंगी। इसी तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए सारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। अब मैं एक एक करके कबाब को डाल दे रही हूँ। आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह से मैं और भी कबाब को फ्राई कर ले रही हूँ।
तो देखिए इसे भी मैंने प्लेट में निकाल लिया, ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।